माँ, क्या आपकी भक्त सविता समझ पाएंगी कि ये आप नहीं लक्ष्मी है? क्या हुआ सविता? सदैव खुश रहो। आश्चर्य में पड़ गई मुझे इस वेशभूषा में देख के। मैं वैकुंठ गई थी विष्णु जी के पास, उनसे एक अलग रूप में मिलना चाहती थी। वो तो मुझे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, किंतु तुम गंभीर लग रही हो। हाँ मां, आपको पहले कभी इस रूप में नहीं देखा। आप बहुत ज्यादा अलग लग रही है सविता। भगवान कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, सब तुम नहीं समझ पाओगी, किंतु भगवान जो करते हैं उसके पीछे कोई कारण अवश्य छुपा होता है। सविता, तुम्हें अभी भी अपनी लक्ष्मी माँ पर संदेह है? नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सही कह रही है, हम इंसान कहाँ भगवान की लीला समझेंगे। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, मैं ना थोड़ी मुसीबत में हूँ। अच्छा हो आप आ गई, आप अंदर चलिए ना, आइए। आपकी भक्त सविता तो समझ ही नहीं पाई आपकी और लक्ष्मी के बीच का भेद। वत्स, हम दोनों के रूप में इतनी समानता है कि इस भेद को समझने में कोई भी चूक कर सकता है। समुद्र मंथन के समय मैं अमृत से उत्पन्न हुई थी और लक्ष्मी विष से। दिखने में भले ही समानता है हम दोनों के बीच, किंतु हम दोनों के विचार एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं। उसे कला पसंद है और मुझे सद्भाव, किंतु अब ये देखना है कि क्या लक्ष्मी सविता के जीवन में कला ला पाएगी, या मेरे सिखाए ज्ञान का अनुसरण करके सविता उस कला को अपने जीवन में आने से रोक पाएगी। अब सविता के धर्म का लक्ष्मी के अधर्म से सामना है, देखते हैं किसकी जीत होती है। मां, जब आप नहीं होती तो आपकी कमी आपका ये रूप तुलसी जी पूरा करती है। मैं अभी इन्हीं से बात कर रही थी, इनके होने से ऐसा लगता है जैसे आप मेरे घर में हर पल मेरे साथ ही है। आपकी बहुत बहुत कृपा है मुझ पे, साक्षात जगत जननी लक्ष्मी माँ मुझे दर्शन देती है। पर माँ, जब आप नहीं थी तो घर में एक हादसा हो गया। माया ने अपना बच्चा खो दिया और उसका सारा दोष मुझ पे डाल दिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इस परिस्थिति का सामना कैसे करूं माँ। और तो और अलग भाई साहब और इनके बीच में फिर से फूट पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। माँ मुझे राहत दे, मुझे मार दे। बस सविता, शांत हो जाओ। अब मैं आ गई हूं और मुझे पता है क्या करना है। जो हादसा हो गया वो दोबारा ना हो, ऐसा ही चाहती हो ना तुम? फिर उसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। घर की सारी समस्याओं और दुखों को जड़ से हटाना होगा। ये जो तुलसी है ना, ये घर की सारी समस्याओं को अपनी जड़ों में ही समेट लेती है। तुम्हारे घर के सारे दुख इसकी जड़ों में ही है। यदि इसकी जड़ें पनपेंगी
तो तुम्हारी समस्याएं भी बढ़ेंगी सविता। यदि तुम्हें अपनी समस्या का निवारण चाहिए तो तुम्हें इस तुलसी को अभी की अभी जड़ से उखाड़ना होगा। सविता, जब रहेंगे ही नहीं जड़, तो कभी उजड़ेगा ही नहीं तुम्हारा घर। जो हादसा हो गया वो दोबारा ना हो, उसी का उपाय है ये। तुम्हारी सारी समस्याओं का यही निवारण है। पर माँ, तुलसी तो आप ही घर है, मैं आपको घर के बाहर कैसे कर सकती हूँ? पाप लगेगा और कौन देगा? मैं सविता, मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम मुझे तुलसी में ढूंढ रही हो। अपनी लक्ष्मी माँ की बातों पे पुनः संदेह? नहीं नहीं, संदेह नहीं है माँ। पर यदि संदेह नहीं है सविता, तो करो जो कह रही हो। यदि कोई संकट आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सविता, मुझे लगता है तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं वैकुंठ चली जाती हूँ। नहीं नहीं माँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे छोड़ के मत चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अंदर आ जाइए। आइए माँ। आजकल की चीजें ज्यादा चलती नहीं है। माँ बैठी, I'm not afraid of the dark.
सविता, तुम मेरी बात मानोगी ना? हटा दोगी ना तुलसी को? बिल्कुल माँ, आपने कहा है तो जरूर मानूंगी। तो चलो फिर, शुभ काम में देरी क्यों इस वक्त? पर माँ, आप ही ने कहा था ना तुलसी की पूजा सुबह ही होती है, तो ये काम भी हम सुबह करेंगे तो अच्छा रहेगा ना? अवश्य। माँ, अब क्या होगा? कहीं आपकी भक्त सविता लक्ष्मी जी के कहने पर तुलसी जी को कहीं उखाड़ कर अपने घर से बाहर न कर दे? माँ, अनर्थ हो जाएगा, माँ अनर्थ हो जाएगा। बस अब वो क्षण आ गया है जब सविता को मेरे सिखाए ज्ञान का प्रयोग करके इस परीक्षा की घड़ी में उचित निर्णय लेना होगा। अब देखना होगा मेरा भक्त होगा सफल या जीत जाएगा अलक्ष्मी का छल। देखो माया, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था माया। एक्सीडेंट था? एक्सीडेंट नहीं होता रोहित, अगर ये फैमिली इतनी फटेहाल ना होती, अगर मेरे पापा क्या होती ना, मैं पता है कितना ध्यान रखते वो मेरा, चार चार नौकर घूमते मेरे आसपास, तीन तीन मेड होती, नर्स होती, ये घर को, पूरे घर को चलता फिरता मैटरनिटी वार्ड बना देते वो सिर्फ मेरे लिए। अरे जमीन पर पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन यहाँ यहाँ तो मैं खुद ही मेड बनी घूमती हूँ। ध्यान ही नहीं रख पाए आप लोग मेरा, नहीं तो आज मेरा बच्चा मेरे पास में होता, यही खोती मैं उसे। देखो माया, रोहित तुम ना जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहां से। बेचारी बच्ची, क्या बीत रही होगी तुम पर। लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूं। तुम बिलीव नहीं करोगी, लेकिन इस घर में सिर्फ मैं हूं जिसे तुम्हारी फिक्र है। कहां महलों में रहने वाली इन फटीचरों के बीच फंस गई, ये लोग ना तुम्हें संभाल ही नहीं पाए, फिर भी तुम तो चार बातें बोलकर चुप रह गई। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो किसी को ना छोड़ती। ताई जी, आप ना रहने ही दीजिए, मैं क्या शक्ल से आपको बेवकूफ नजर आ रही हूँ समझ नहीं आता मुझे। आप ना ज्यादा यहाँ पे आग लगाने के काम मत कीजिए, बड़ी शुभचिंतक बन रही है। आप ही के पति थे ना वो जिन्होंने पंखा ढीला किया था कुछ पर गिराने के लिए, कुछ भूली नहीं हूं मैं। तो प्लीज ये सब ड्रामा ना आप यहाँ पे मत ही कीजिए। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सविता ने अपनी बहू को बोलने की तमीज भी नहीं सिखाई। ये सब क्या हो रहा है वैभव? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था और सडनली सब बिगड़ गया। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। माया भाभी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, का पेन तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैभव, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनका मूड ठीक हो जाए, वो इस हादसे से मूव ऑन कर ले? इतना आसान नहीं है श्रेया, अपना बच्चा खोया है भाभी ने, तुम नहीं समझोगी।
और तुम्हें तो बच्चों से वैसे ही लगाव नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? Of course, मुझे बच्चे पसंद है। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। नहीं समझोगी तुम भाभी का पेन। वैभव तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मेरे अपने रीजन से मुझे अभी बच्चा क्यों नहीं चाहिए। हाँ हाँ तुम्हारे अपने रीजन से। यही ना कि लाइफ में अभी तक हम सेटल नहीं हो पाए हैं, मेनली मेरी वजह से। लाइफ में अभी कुछ किया ही नहीं है, मेनली मैंने। हाँ यही रीजन है ना। वैभव वजह जो भी हो, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं माया भाभी का दर्द नहीं समझती। दर्द तो तुम मेरा भी नहीं समझती श्रेया। एक तो कोर्स की फीस भरने के लिए तुमने पापा से लोन लिया। अरे अगर बता देती तो। पता है सबसे पहले क्या करता मैं? जैसे ही जॉब लगती मेरी, सबसे पहले उनका लोन वापस करता। वैभव तुम इतना अजीब क्यों बिहेव करने लगे हो? पर तुम्हें अभी इस बात का बुरा लगा है? तुम्हारे फैमिली के सामने तो तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे। चॉइस क्या थी श्रेया मेरे पास? हाँ क्या चॉइस थी? मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम करती हो नहीं। कलेश कानों में मधुर संगीत की तरह सुनाई देता है। लड़ो और प्रसन्न करो अपनी अलक्ष्मी माँ को। मम्मी हाँ, मार्केट से आपने जो जो मंगाया था मैं ले आया, ठीक है यहीं पे रखा हूँ। नहीं नहीं डाइनिंग टेबल पे रख दे बेटा। अच्छा ठीक है। मम्मी आपको आटे की थाली चाहिए थी ना? मम्मी इतने सारे फूल, आज कुछ स्पेशल पूजा है क्या? आज मैं तुलसी मैया को घर से विदा करने जा रही हूँ, बस उसी के लिए। क्या? लेकिन मम्मी तुलसी का पौधा तो घर के लिए शुभ माना जाता है ना, फिर आप ये क्यों कर रही हैं? घर की भलाई के लिए। तुलसी को निकालने से घर की भलाई? मम्मी तो इतना मानती है, रोज तुलसी की पूजा करती है, फिर आप ये क्यों कर रही है? नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मम्मी आप ही तो कहती है कि तुलसी भी लक्ष्मी माँ का ही रूप है। तुलसी का पौधा घर में होना शुभ और लाभ का प्रतीक है, फिर भी आप ये क्यों कर रही है? करने दे श्रेया, अगर इस घर से दुख तकलीफें और क्लेश को जड़ से मिटाना है तो इस तुलसी के पौधे को उखाड़ना ही होगा। माँ ने कहा है तो मुझे करना ही होगा। अब बोलो कहां गया तुम्हारा सिखाया ज्ञान? मैंने कहा था ना तुम्हारी भक्तों को ही तुम्हारे विरुद्ध कर दूंगी। अब भक्त ही भगवान को घर से बाहर निकालेगा। इतनी शीघ्र ही निष्कर्ष पर मत पहुंचो लक्ष्मी, तुम तब जीतोगी जब मेरे भक्त हारेंगे। और मैंने अपने भक्तों को हारना सिखाया ही नहीं है। बस बस लक्ष्मी, तुम्हारा वही पुराना भक्त भक्तों का गाना मैं भी सुन चुकी हूँ और तुम्हारे भक्त भी, किंतु अब मेरी प्रवचन की बारी है और तुम्हारी भक्त सविता वही करेगी जो मैं कहूंगी।
शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे, हर पल में हो शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।